देवभूमि को एक कलयुगी बाप ने किया शर्मसार। कलयुगी पिता ने अपनी बेटी से की हैवानियत। हैवानियत की सारी हदें पार कर बेटी को किया गर्भवती। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही हैवान है जिसने अपनी बेटी को ही अपनी हवस का शिकार बनाया। इस हैवान पिता ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया और अपनी ही नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया। देवभूमि उत्तराखंड को कलंकित करने और बाप बेटी के रिश्तों को तार तार करने वाला ये मामला उधम सिंह नगर के बासपुर से सामने आया है। घटना का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग अपनी चाचा के घर बासपुर आई हुई थी। नाबालिग के पेट में अचानक दर्द हुआ तो उसके चाचा ने उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे 3 महीने की गर्भवती बताया। इसके बाद लड़की से पूछताछ की गई तो उसने जो बताया उसे सुन चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की ने बताया कि उसका पिता उसके साथ जबरन दुष्कर्म करता है, जिसके बाद आनन फानन में वो घटना की रिपोर्ट करने पुलिस के पास पहुंचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और आरोपी पिता को दोराहा चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग के चाचा के अनुसार नाबालिग लड़की अपने पिता के साथ उत्तर प्रदेश के आरसल पारसल गांव में रहती थी। इसी दौरान इस कलयुगी बाप ने इस घटना को अंजाम दिया। हाल ही के कुछ महीनों में ही रिश्तों को कलंकित करने का ये चौथा मामला है। कुछ महीने पहले ही एक ऐसा मामला देवभूमि से सामने आया है जहाँ एक सौतेले बाप ने अपनी बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया था। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है जो ना तो रिश्तों की अहमियत समझते हैं और ना ही समाज की। इंसान की मानसिकता इतनी गिर जाएगी कोई सोच नहीं सकता था। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।